किसी भी इंसान में, चाहे वह बुजुर्ग या जवान, पुरुष या महिला, गुस्सा फूटना कभी भी दिल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा देखा गया है एक रिसर्च में। डॉक्टर्स बताएंगे गुस्सा किस हद तक सेफ है और कहां वह जानलेवा साबित हो सकता है। वेलकम टू आवर शो ऑल द डॉक्टर्स। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू डॉक्टर रजनीश कपूर। गुस्से में चीखने चिल्लाने से दिल को कैसा खतरा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की दुनिया में। आजकल के जो रिस्क फैक्टर्स की हम बात करते हैं हार्ट अटैक के लिए, सभी रिस्क फैक्टर्स की बहुत कॉमनली बात करते हैं, बट आई थिंक ये फैक्टर कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो एक्सट्रीम एंगर और एक्सट्रीम एंजाइटी, जिसको हम गुस्सा बोल रहे हैं, तो वो किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकता है और उससे हार्ट अटैक का बहुत भारी रिस्क है। ये एक स्टडी हुआ जो हार्ट जर्नल में पब्लिश हुआ, जिसके कंटेक्स्ट में हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं। सो उसमें भी यही पाया गया कि अगर हम हार्ट अटैक पेशेंट्स को स्टडी करें, जितने भी हार्ट अटैक पेशेंट्स हमारे पास प्रैक्टिस में आते हैं, उनको अच्छे से स्टडी करें, तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ घंटा के अंदर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम एंग्जाइटी या गुस्से से पीड़ित होते हैं या उससे गुजरे होते हैं, तो उनको जाकर आगे हार्ट अटैक होता है। सो जो एक्सट्रीम एंग्जाइटी या एंगर वाले पेशेंट्स हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, 9 times बढ़ जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वी नीड टू टेक इट टू कंसिडरेशन एंड वी नीड टू मेक ऑल पीपल अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि गुस्सा बहुत हानिकारक है हार्ट अटैक के लिए। इज टू डॉक्टर तरुण सिंघल कि यदि गुस्सा हानिकारक है तो चाहे कुछ भी हो, क्या चुपचाप बैठा जाए? नहीं, हमको गुस्से के दौरान चुपचाप नहीं बैठना, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि क्रोध में अक्सर भाषा हमारी बहुत अमर्यादित हो जाती है और उसमें हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं जिससे कि हमारे आपसी संबंध हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं। क्रोध में दिए गए निर्णय में हम जो काम करते हैं वो भी अक्सर गलत होते हैं, जैसे झगड़ा, इवन एक्सट्रीम कंडीशन में हम हत्या तक कर देते हैं, जिससे जिंदगी भर पछतावा होता है। तो क्रोधी व्यक्ति की किसी से बढ़ती नहीं है, उसके दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए हमें जिस समय क्रोध आ रहा है हमें अपनी भावना को नियंत्रण करना पड़ेगा। इसका सबसे उचित तरीका है कि हम उस समय अपने आप को कहीं डाइवर्ट करें, जैसे हम इमेजिन करें कोई कॉमेडी सीन, कोई कॉमेडी पिक्चर, या हम उस समय योगा कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम उस समय कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, हमारी हार्ट रेट कम होने लगेगी। डॉक्टर संजय सिंघल कि बहुत लोग गुस्साए वाले नेचर के होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे डॉक्टर कपूर ने बताया, जिन लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या जल्दी गुस्सा आता है, जिनका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, उसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फर्स्टली ऐसे केसेस को मैं आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे कि उनमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है या उनका एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। इवेंट्स हो सकती है कि कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट्स, वर्किंग एटमोसफियर उनका कितना अच्छा नहीं है, या रोड रेजेस की प्रॉब्लम है। तो हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे कि पेशेंट का गुस्सा कम हो सके, इसके लिए हम उनको स्ट्रेस रिडक्शन ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे कि उनका जो गुस्से के प्रति जो रिएक्शन है वो कम हो सके। और जैसा डॉक्टर तरुण ने बताया कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या होगा म्यूजिक, रिलैक्सेशन म्यूजिक हम वो भी यूज कर सकते हैं। थर्डली, जो पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क पे हैं, हम उनको एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन भी दे सकते हैं कि जिससे कि उनका एंग्जाइटी लेवल कम हो और हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस कम हो। साथ ही साथ हमें उनको जो इवेंट्स हैं जिनमें उनका गुस्सा बढ़ता है उनको भी अवॉइड करने के लिए उनको हमें एडवाइस करना पड़ेगा, जिससे कि ऐसी इंसिडेंस जो हार्ट अटैक की इंसिडेंस जो हाई रिस्क ग्रुप में है वो कम हो सके। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द 3 ऑफ द डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर शो। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी का हमारे शो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।